स्वागत है आपका आवाज न्यूज राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ केशव नायक। विजयनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, सूरतगढ़ शाखा मुख्य नहर में आया कटाव। गांव बाजूवाला फार्म कॉलोनी के पास टूटी नहर, लगभग 150 से 200 फीट का आया कटाव। इसी के साथ हमारे साथ स्थानीय विधायक बलवीर सिंह लूथरा से जुड़ चुके हैं, कुछ जानकारी है जो लेने की कोशिश करेंगे। जी विधायक जी, बताइए, सूरतगढ़ शाखा नहर 275 आदि के पास जो नहर में कटाव आया है, आसपास के किसानों के खेतों में कितना नुकसान हुआ और कितना पानी खेतों में भर चुका है? अभी जो आरडी झूठर ब्रांच की आरडी 275 पर जो कट आया था तो उसमें कुछ तो केंद्रीय राज्य फार्म जैसर का एरिया आ रहा है और उसके आसपास जिसके बीजेपी के एरिए के किसानों का काफी नुकसान हुआ है और जिनकी बालियां पिटी है उन किसानों का भी नुकसान हुआ है। ये नहर में किस प्रकार से कटाव है, क्या कारण है और नहर में क्या सही मटेरियल नहीं लगा होने के कारण कोई कारण होगा? नहर कच्ची है और वहाँ जो ईंटे लगी हुई थी उसमें हटाई हुई थी, जो कि नहर पे मरम्मत का काम चल रहा है। जी सर, फार्म का काम चल रहा है, फार्म की लापरवाही जिम्मेदारी बताया जा रहा है इसमें? बिल्कुल, इसमें फार्म के प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही है क्योंकि उनके आसपास के जो नहर के जो आसपास के जो है ना पहाड़ी की क्रैक बोलते हैं उसको, जी जी, अत्यधिक झाड़ियाँ हैं ताकि उसके उतरे वहाँ जीव जंतु वाला पशु आए कि मतलब वहाँ जाने पर भी भय आता है, डर लगता है। तो ये किसानों को सरसों को भी काफी फसल प्रभावित हुई है? हाँ हाँ बिल्कुल, जो फसलें बोई हुई है जहाँ पानी चला गया तो स्वाभाविक है कि फसलें खराब होगी। तो चीफ इंजीनियर भी आए थे, उन्होंने क्या बताया, क्या कुछ काम है? बिल्कुल, चीफ इंजीनियरिंग आए हुए थे, वो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो मौके पर पहुंचे और सभी अधिकारी भी पहुंच गए थे। मेरे को 6 बजे सुबह सूचना मिली, मैंने तुरंत अधिकारियों को कहा कि आप मौके पर जाकर स्थिति को संभाले। जी, तो बहुत बहुत चीफ इंजीनियर भी किसी प्रकार से जानकारी है जो उन्होंने विधायक बलवीर लूथरा है जो पूरी जानकारी दी, धन्यवाद सर। प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे मौके पर, विधायक बलवीर सिंह लूथरा व चीफ इंजीनियर अमरजीत सिंह मैरड़ा मौके पर मौजूद। किसानों के लंबे समय संघर्ष के बाद लगभग 1 माह के बाद सूरतगढ़ शाखा में आया था पानी। नहर टूटने से किसानों की सरसों की फसल होगी प्रभावित। विजयनगर से सुरेंद्र सिंह राठौर की खास रिपोर्ट। आज सुबह करीब 5:30-6 बजे मेरे को सूचना मिली कि आर डी 275 पर नहर में कटाव आ गया है और मैंने तुरंत अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देशित किया कि मौके पर जाकर स्थिति को संभालें और मैं खुद भी यहां आया हूं और देख रहा हूं कट काफ़ी लंबा चौड़ा था। मैं मानता हूं कि ये केंद्रीय राज्य फार्म जो यहाँ जैसर फार्म है, सूटगढ़ फार्म के अधिकारी हैं, इनकी एक बड़ी लापरवाही है जिनकी भी लापरवाही के कारण ये कट हुआ और अभी भी नहर के ऊपर बड़ी बेतहाशा रूप से ये झारखंड झाड़ियाँ वगैरह और ये जो कीकर है जिसको हम किसी को बोलते हैं जूली फ्लावर बोलते हैं, ऐसी कीकरें हैं जिसका पूरा जंजाल फैला हुआ है और इसकी मेंटेनेंस भी नहीं हो रही जिसकी वजह से कट आया हुआ है। मैं इस मौके पर जो चीफ इंजीनियर यहाँ पहुँचे हैं हनुमानगढ़ के अमरजीत सिंह जी मेरड़ा, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और पूरे अधिकारियों को निर्देशित करके यहाँ बुलाया और अभी सूचना इन लोगों ने मिली है कि वो उन्होंने लखवाड़ी हेड से भी लेबर और एक्शन को वहाँ बुलाया है। उम्मीद है 4-5 बजे तक ये कट बन जाएगा।